राधे राधे भैया, क्या हाल चाल है। मतलब यार, पहली वीडियो पर आप लोगों ने जो भौकाल मचाया है ना, मतलब दिल एकदम अंदर से गार्डन गार्डन हो रखा है यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यार के लिए, आपके इतने सपोर्ट के लिए। और शुरू करते हैं आज का सफरनामा, और आज ना आपको घुमा के लाते हैं नेशनल आर्बोरेटम। ये आपके सामने पेशे खिदमत है नेशनल आर्बोरेटम, और इस वक्त मैं डेयरी फार्मर्स लुकआउट पॉइंट पे हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जो है वो लेक बोले ग्रिफिन है, और अगर मैं कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमाऊँ तो वो ब्लैक माउंटेन है जहाँ पे टेलस्ट्रेट आ रहे, और ठीक पीछे सूरज निकला है। और भाई बहुत ज़रूरत थी, मतलब एकदम ठंड में ना एकदम कुड़कुड़ा से गए थे। और एक टाइम लैप्स वीडियो भी बनाई है जो कि मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तीन में जब बुशफायर हुआ था तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और गवर्नमेंट ने सोचा कि यार एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे इन ट्रीज को दोबारा ग्रो करें। और इस जगह को बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने लैंडस्केप ब्यूटी में बनाया है। काफ़ी जलवाए बवाल जगह है भाई, मतलब बता नहीं सकता हूँ आपको। इतनी खूबसूरत है ना कि जब भी आता हूँ प्यार से हो जाता है इस जगह से। और बहुत ठंड भी है, लेकिन अच्छा है सनराइज़ हो गया है तो थोड़ी सी कह लीजिए राहत है। और कन्वेंशन सेंटर है तो अभी चलेंगे वहाँ पे, कॉफ़ी पियेंगे और आपको दिखाएंगे। वहाँ से भी बहुत अच्छे शॉट्स कई बार मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये पूरी की पूरी वैली है। ये आप देख सकते हो, ये आर्बोरेटम का विलेज सेंटर है और यहाँ पे कैफेटेरिया है। आइए सुबह बढ़िया कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए, नाश्ता वाश्ता एकदम हचक के करिए। और शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो शॉप भी है सामने, कुछ सोवेनियर भी कलेक्ट किया जा सकता है। और ये सामने अगर मैं दिखाऊँ आपको अपने कैमरे पर, तो ये कॉफ़ी शॉप है, तो एक बढ़िया गर्मा गर्म कैपेचिनो करी गई है ऑर्डर, और बस अब इंतज़ार है कि जल्दी से भैया मैं लेके आए। मशरूम टोस्ट आ चुका है, और पता है जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर नाश्ता और नज़ारा दोनों साथ में मिलते हैं। बॉन्जाई कलेक्शन में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और ये जगह कैफेटेरिया से बाहर निकलते ही है, जिनको थोड़ा बहुत भी पेड़ पौधों का शौक है भैया, एक बार आना ज़रूर। मतलब क्या कारीगरी करी है यार पौधों में। और यार ये एक बहुत बढ़िया मेटालिक आर्टवर्क है, और अगर आप इसको दूर से पढ़ने की कोशिश करिए तो ये कहता है वाइट ब्राउन लैंड। मैं कोशिश करूंगा अभी थोड़ा सा दूर जाऊं और आपको एक वो शॉट दे पाऊं। हाँ भैया, तो अगर आप पढ़ पा रहे हो तो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा वाइट ब्राउन लैंड, और यहाँ पे आइए फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइए। पीछे टेलस्ट्रेट आर भी है, और वो भी एकदम फ्रेम में चार चांद लगाएगा आपके। और यार जैसा मैंने बोला था कि ये जगह 2003 बुश फायर के बाद बनाई गई थी, और अभी बहुत सारे ट्रीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा ग्रीन पैच आप देख सकते हैं। तो यार ये एक और जगह आती है नेशनल आर्बोरेटम में जिसका नाम है हिमालयन सीडर फॉरेस्ट। और ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे पे, तो ये डल लेक पे शिकारा है और ऊपर हिमालयन रेंज है। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर करता हूँ। तो बेसिकली यार ये देवदार फॉरेस्ट है, और सही बोलूँ तो भाई एकदम ना घर की याद सी आ गई। मतलब ये जो छोटा मनाली का वर्जन है, बहुत ही बढ़िया है। चारों तरफ देवदार फॉरेस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जॉगिंग ट्रैक है, तो सुबह लोग आते हैं बढ़िया, एकदम भागते दौड़ते रहते हैं यहाँ पे। और जो लोग गए हुए हैं कुल्लू मनाली या फिर कसौल साइड, उनकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। और ये फॉरेस्ट इन्होंने डेवलप करा हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये भी एक जगह है जो आप अपनी लिस्ट पर रखिएगा अगर आप नेशनल आर्बोरेटम आ रहे हैं। भैया आज का सफ़रनामा यहीं तक, उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आएगी, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई लोकेशन एक नई डेस्टिनेशन के साथ। और तब तक ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।